समा गया बिरादे हुए सभी मेरे आदरणीय और सम्मानीय पिता तुल्य बुजुर्गो, युवा साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज आपके बीच में चुनाव होने के 4 महीने बाद में आपकी विधायक आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने और आपको धन्यवाद देने आई। इसका लेट होने का कारण कि पहले चुनाव होते ही विधानसभा आ गई, फिर मेरे इकलौते पुत्र की शादी आ गई, फिर आचार संहिता लग गई, फिर इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, अहमदाबाद ले गया, जयपुर ले गया, फिर इनका दिल्ली में ऑपरेशन हुआ। अब आपकी मेहरबानी से, भगवान की मेहरबानी से ऑपरेशन कामयाब हो गया, 4 दिन पहले आए हैं। पिछले 5 दिन से सब उपखंड अधिकारी समेत पूरा प्रशासन हर डिपार्टमेंट का गांव गांव पंचायत में जा रहा है, जनता की समस्या सुन रहे हैं। मुझे पता है 15 साल तक यहाँ अन्य व्यक्ति का एक शासन था, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था रखनी हुई है, बिजली की कोई व्यवस्था है नहीं, किसी डिपार्टमेंट के कोई कर्मचारी है नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, सभागारों में नर्स, मेल नर्स, डॉक्टर नहीं। जहां भी मैं जा रहा हूँ, 15 साल तक मैंने ये सोचा कि मेरे से पूर्व विधायक जी ने यह क्या किया, जगह जगह पानी की शिकायत, कहीं ट्यूबवेल फेल, कहीं पाइप लाइन लोग खोल के ले गई, कहीं टंकियां पड़ी उसमें पानी नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में तहस नहस हो रुका है। मुझे बड़ा दुख होता है, पर मैं बुजुर्गों और युवा साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 15 साल से काम पटरी से उतरा हुआ है, वो गोवर्धन जी का वापस पटरी पे लाने के लिए मुझे कम से कम 12 महीने तो मुझे दो। अब ऐसा कोई मेरे पास में जादू नहीं तो मैं बोतल से पानी ना करके मंत्र करके यूं फेंक दूं और आपके सब सुविधा हो जाए, वो राम सिंह बाबा होने नहीं, टाइम लगेगा। अब आपने हमें जीताया है और जीताया भी ऊपर राम जी इतनी भारी वोटों से, कभी मुझे तो हराया 2000 से, कभी 4000 से, कोई यहाँ से जीता 5000 से, 26000 वोटों ने आपने मेरी धर्मपत्नी को जीताया है। ये हम सब बैठे रहते हैं, सोचते हैं जबर सिंह जी बाबा को और बात करते हैं कि बाबा ये क्या हुआ, इतना समर्थन अपार। और जबर सिंह जी ने मुझे एक चीज कही कि नेताजी अपने तो काम नहीं जमा, पर ये अपने विधेयक जो पूजा पाठ कर दी है, माला फेर दी, कोई ईश्वर का ही प्रताप हुआ है, तो लोगों ने अंधाधुंध में वोट दिए। जो मैं आपको क्या बताऊं, इतना बड़ा कर्ज आपका मैं मेरे सर पे रख करके रात और दिन आपकी चिंता करता हूँ कि आपकी पानी की व्यवस्था कैसे हो सके। आपका गांव मैं हारूं चाहे जीतूं, आपकी पंचायत हमेशा मुझे 1500 वोटों से जीता के भेजती है, ये कभी मैं सर्वदा ऐसा भूल नहीं सकता। आज आपकी एप्लीकेशन आई, आपकी समस्याएं मेरे पास में आई, ये 21 तारीख तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा जनसंपर्क है, पंचायत वाइज जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उसके बाद में पंचायत वाइज जो एप्लीकेशन आई है, डिपार्टमेंट वाइज जोगाराम जी हम इसको उठा देंगे, पानी वाले अधिकारी को यह आदेश देंगे जो वो कर सकते हैं, कोई रास्ता कटान और कोई फैसला हुए SDM मैम को कहेंगे, समिति वाला BDO साहब को कहेंगे, सब मिलकर के जो जोधपुर लेवल की समस्या है वो यह अधिकारियों से निपटाएंगे, वरना 27 तारीख को असेंबली शुरू हो रही है जयपुर के अंदर, तो 22-23 तारीख को मैं जयपुर चला जाऊंगा, आपकी समस्याएं मैं मंत्रियों के पास रखूंगा और पूरा जोर देके उनसे कार्य स्वीकृत कराऊंगा। मंत्री नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री को कहूंगा, मुख्यमंत्री भी अगर नहीं सुनेंगे तो आपकी विधायक आपकी आवाज बन करके राजस्थान विधानसभा में एक एक मामला आपका विधानसभा में श्रीमती मीना कंवर उठाएगी, मैं भरोसा विश्वास देता हूँ। अधिकारी घर सब यहाँ अच्छे लगे हुए हैं, आप विश्वास रखिए, जय सिंह जी कई साल से यहाँ बैठे हैं, SD मैडम अपने नए आए हैं, बहुत इनके मन में भावना रहती है कि मैं कितनी लोगों की सेवा कर सकती हूँ, तुरंत प्रभाव से ये डिसीजन लेती है। BDO साहब भी अच्छे आदमी है, तहसीलदार साहब आज मीटिंग में चले गए, नायब तहसीलदार साहब आए, मान सिंह जी, नाथू राम जी यहाँ आपके IN बिजली करके लगे हुए हैं, सब लोगों के मन में एक भावना है कि क्षेत्र की जनता ने मीना कंवर को अगर 26000 से जिताया है तो अधिकारीगण का भी मन है कि हम मिल करके जो समस्या ये समाधान कर सकते ये करेंगे, और बाकी हम सब मिलके आपकी जो दुख तकलीफ की समस्याएं हैं, चाहे सड़कें हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, वो आपके में 4-6 महीने में, अभी तो जुमा जुमा 4 महीने में उमर राम जी राज जमे हुए, आपने भी जो मुझे 15 साल तक घसा है ना, मुझे कौन सा फटाफट MLA बना दिया, 15 महीने तो सफर करो, मैंने 15 साल उमर राम जी सफर किया, बाप जी हमके वोट दे दो,
बाप जी हमके मोड़ देखो 15 साल कितना है आजी साहब हमारे बेटा का टावर पड़ता जो को आर्मी में नौकर हुआ 15 करोड़ पैसे लाया गया और मारा था नौकरी को लागी है जो फिर मारी मने तो हिम्मत तो आज 15 साल तक मने धन्यवाद तो पहली उपमा राम जी खे सिंह साहब की गाड़ी चला दो पहली खे सिंह साहब की गाड़ी चला दो दादू सारी हमें थोड़े कोई गाड़ी से मैं तो हाई ठहरो कहना बाजू बूढ़ा बूढ़ा खड़ी तो अरे रूप जी बड़े होते से रूपा राम जी रूप बात करी है क्यों तो ना मैं तो होने होने से मैं को बड़ा हंसो की करो कहते हैं होता ही हंसो तो ही मैं को क्यों तो सही कि मारे भी देखते कर के ना घर नहीं लाया तो पर्दों पर जो मारो जी हो रहे पहली हूँ घर नहीं थे लो जी फिर ना मैं थे थोड़े घर नहीं थे लो जब मैं एक जना हो गया और हकीकत में प्रजातंत्र में तो राज आता रहे जाता रहे फुटता रहे अब आज देखो आप रहा भाग देखो आप रही सरपंच है जो महिला आप रही एस डी एम है जो महिला आप रही एम एल ए जो महिला आप भले मैंने ताले बजो पहले उनके और काले होइतरे में पूरे सरपंच बीजार हैंग लेडीज ही लेडीज तो मैं क्यों आज मुखिया है कट गया तो दुखे कम से कम 2 से बैठी थी कहीं और राज घना पर क्यों बनवा हमें थोड़े मोटिया रैंक पर मैंने पढ़ दो दिशा मेल सभा करवा सब लेडीज ही पूरी यहाँ पर 200-250 महिला एजुकेशन तो समय परिवर्तन होता रहे सत्ता फुर्ती से करती है और बाकी भी थे भाई हाजी को कर्म में रेख भी सही थे आप कोई चिंता मत करो आप जगह जगह कौन है वो मैं सब करूंगा पहल के राज में बाबू सिंह बाबा ने हाथ में कलम भाई थोड़े गांव में कैडी की नहीं कोई धोरे सड़िया कोई कटी गया दोहरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया पीढ़ियों हम सीधे हाथ रहता मारो एक निवेदन है कहो साहब मारी बात मानी और साहब पंचायत और परिसमन जोड़ा राम जी पास हो यस कर दियो अब मारी निवेदन है कि आप यह पंचायत बहुत मोटी होती थे बैठ है 36 गोम रही कोई बीजेपी कांग्रेस मत रखो वो तो कहो एक मारे ने दोहरे दो पंचायत बनाए दो तो चलवार आप रे थोड़े गांव थोड़ लो अपने इस्लाम नगर में रावसन एक नई पंचायत बना दो ये और यहाँ पर यार बैठा रेलमिल आज से आप झगड़ो मत करें थोड़ा पाव झगड़े हल हो ठीक है नहीं थे वो यारों को मत करें तो मारी रोटी बरोबर बिली कर दी रेल में बैठ 36 गोमरी राय ले उमर राम जी कोई मारे आगो नहीं कोई पास हो नहीं वोट दे दिया दिया उसका ही भला और नहीं दिया जोगरा उसका ही भला अब सेनेट के विधेयक 5 साल तक मेरा कौन रहेगी इसलिए मुझे आप मेरा परिवार हो मेरे मन में कोई भावना ही नहीं है हम सच्चे मन से जो 5 साल का आपने टाइम दिया है हम आपकी सेवा करना चाहते हैं ईमानदारी से मैं आपको कहता हूँ कोई फर्क नहीं और अगर कोई गलती होती है हमें आके कहो आप मेरा परिवार हो मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ कोई मेरे में जातिवाद नहीं है मैं तो आपका एक सेवक हूँ 15 साल तक बिना पद सेवा की अब 5 साल पद पर रहकर सेवा करूंगा 4.5 साल बाद में आपका मौका आएगा कि आप नंबर 100 में से कितने देने हैं बढ़िया अगर आपका जीव ठारता हूँ आपकी सेवा करता हूँ तो 100 में से 101 नंबर देना और बटा 100 में 00 परीक्षा में यही होता गोपाल राम जी और होता क्या इसलिए आप निश्चिंत रहो मेरी भावना है मेरे मन में एक तमन्ना है कि मेरे क्षेत्र में शांत प्रिय माहौल रहना चाहिए लोगों में भाईचारा रहना चाहिए जातिवाद की यहाँ भावना नहीं होनी चाहिए इस धरती पे इस गाँव में जन्मे हम सब एक परिवार है एक बाप की औलाद है इसलिए आपको कोई हिंदू मुस्लिम कोई सिख ईसाई कोई जाट मेघवार राजपूत की भावना नहीं रख करके समान तरीके से जो मनुष्य जीवन अपने को मिला है उस जीवन को आराम से जिंदगी जियो कितना जीवन है आज आप 60-65 तो हो गए 50 मुझे आ गए पता नहीं कब टिकट कट सकता है अपना को यही ध्येय रहना चाहिए कि सब एक रहे जो गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए और मैं अधिकारियों को भी निवेदन करना चाहता हूँ आप ही अन्याय का साथ मत दो जो न्याय के साथ हो ताकि जनता को ये महसूस हो कि 15 साल के बाद में अगर शेरिटन कोई आया है तो राम राज अब आया है लेकिन राम राज नहीं था आपकी बहुत मेहरबानी है आपने यहाँ से विधायक बनाया हमारी सरकार बनी तीसरी दफा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने ये सब जनता जनार्दन आपकी मेहरबानी है आपका महित बड़ा है अब आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जो आपने समस्याएं दी उस पर गौर होगा और उसके ऊपर बिल्कुल आपका काम होगा आप पधारे हमारा स्वागत किया सम्मान किया पूरे गांव बस्ती को मेरी तरफ से और विधायक जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत।